गुड इवनिंग एवरीबडी वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट और ये एक प्ले है दिस इज़ फ्रॉम द बुक ट्यूलिप सीरीज़ जो कि जेके बोस क्लास नाइन्थ की बुक है नाउ बिफोर वी स्टार्ट देर आर सम इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर्स और जिनमें से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दिस इज़ अ वेरी रिकमेंडेड वीडियो वाई बिकॉज़ हमें बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स में ये रिकमेंडेशन आई है इस प्ले के लिए और सेकेंड uh, इज़ क्योंकि ये प्ले है तो इसे लाइन वाइज नहीं पढ़ाया जा सकता इसे लाइन वाइज ट्रांसलेट भी नहीं किया जा सकता तो इसको हम समरी के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करेंगे थर्ड अगर आपको लगे कि आपको समरी से अभी भी समझ नहीं आया है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन अगर आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर्स भी समझाएं तो ऑब्वियसली हम वो भी समझा सकते हैं डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन वी लव टू हियर फ्रॉम यू पीपल ओके okay. और फोर्थ ये है कि वी नो कि हम लोग ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लेट अपलोड कर रहे हैं बट थैंक यू फॉर ऑल द इनकेजमेंट फॉर ऑल द गुड कॉमेंट्स फॉर ऑल द गुड मैसेजेस ठीक है वी लुक फॉरवर्ड टू ऑल योर कॉमेंट्स ऑल योर रिकमेंडेशंस एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल नाउ बिफोर वी स्टार्ट लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स अब ये जो प्ले है इसमें ये एक मिस्ट्री प्ले है फर्स्टली और ये लिखा है किसने ये लिखा है नील ग्रांट ने एन ई आई एल ग्रांट जी आर ए एन टी ओके ये इन्होंने लिखा है ये एक मिस्ट्री प्ले है एक शॉर्ट प्ले है और इसमें चार विजिबल कैरेक्टर्स हैं विजिबल कैरेक्टर्स मतलब क्योंकि ये प्ले है तो स्टेज पे चार कैरेक्टर्स हम देखते हैं पहला लॉर्ड फाइनहॉर्न जो कि जज हैं विलियम ब्रोडी ऑफ ऑल्टन जो कि स्कॉटिश लैंडलॉर्ड हैं जीन लमोंड जीन लमोंड कौन है पेजेंट वमेन है इनको हम मिसेज लमोंड के नाम से भी जानेंगे फर्दर एंड कर्नल लाइनल एलडाइस जो कि चीफ कांस्टेबल हैं ओके सो ये तो है फोर विजिबल कैरेक्टर्स इनके अलावा हमारे पास इस प्ले में दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं जैसे कि नेली सॉल्टर ये एक मिस्ट्री प्ले है मर्डर मिस्ट्री पे बेस्ड है और मर्डर किसका हुआ है नेली सॉल्टर का जो कि एक ब्यूटिफुल यंग वुमेन है सस्पेक्ट कौन है हेक्टर लमोंड। हेक्टर लमोंड कौन हुए नेली सोल्टर के लवर, ओके एंड सेकेंड सस्पेक्ट कौन है मिसेस लमोंड और जीन लमोंड ओके एंड वी हैव अनदर इंस्पेक्टर टू ठीक है इंस्पेक्टर सूटर भी है यहां पे। नाउ लेट्स स्टार्ट जो ब्रोडी एंड जज फाइन है ठीक है वो बात कर रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं किसकी बारे में बात कर रहे हैं मिस्टीरियस मर्डर ऑफ नेली सॉल्ट अब ये जो मर्डर है मैंने आपको पहले ही बोला कि ये एक मिस्ट्री प्ले है तो मर्डर इसमें नेली सॉल्ट का हुआ है और वो बात कर रहे हैं क्योंकि इस मर्डर में कोई क्लियर एविडेंस नहीं था ठीक है तो होता क्या है जो हेक्टर लमॉन्ड है जो कि लवर है नेली सॉल्ट के ओके उनको रिलीज कर दिया जाता है पहले उन्हें अरेस्ट किया जाता है उनको इंटेरोगेट किया जाता है उनसे पूछा जाता है बट लेटर क्या होता है उनको रिलीज कर दिया जाता है उनको रिहा कर दिया जाता है क्योंकि वो गिल्टी नहीं पाए जाते कोर्ट के द्वारा ओके जो मिसेस लमोंड हैं जो कि हेक्टर लोमोंड की, की मदर हैं वो भी सस्पेक्ट मैंने आपको पहले ही बोला दो सस्पेक्ट्स हैं ये सेकंड सस्पेक्ट हैं बट ये क्या करती हैं ये बोलते हैं कि ये इंटायर डे मतलब पूरा दिन ये बीच पे थी तो इनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि नेली सॉल्टर क्या कर रही थी किस दिन जिस दिन उनका मर्डर हुआ तो वो सीधा अपने आप को वहाँ से बचा लेते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो सन है वो अरेस्ट होते हैं इंटेरोगेशन होती है और उसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया जाता है वाई क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस है ठीक है अब जब ये डिस्कशन हो रही है किसके बीच में हो रही है ब्रोडी एंड फाइन हॉर्न के बीच में ठीक है तो मिसेस लमोन जो हैं वो सडनली क्या करते हैं रूम में एंटर होते हैं और जज को थैंक करते हैं क्यों थैंक करते हैं क्योंकि उन्होंने हेक्टर को रिलीज किया है और एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो रात है रात के समय में वो आई हैं और रात बहुत ही ज़्यादा डार्क है बहुत हवाएं चल रही हैं तूफान चल रहा है और वो एक बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट एज ए गिफ्ट लाई हैं ठीक है और ये गिफ्ट क्यों है क्योंकि वो कहती हैं कि वो जज को थैंक करना चाहती हैं कि उन्होंने हेक्टर को रिहा कर दिया तो बेसिकली ये जो मिसिज uh, लमोन है इनको लगता है कि जो जज है उन्होंने उन्हें फेवर किया है तो जैसे कि वो बता रही होती हैं वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देती हैं नेलीज मूवमेंट्स जो थी बिफोर हर मर्डर मतलब अब देखिए जिस दिन मर्डर हुआ था उन्होंने बोला था कि वो इंटायर डे बीच पे हैं बट होता क्या है अभी जब वो लॉज में आई हैं जो कि एक फ़िशिंग लॉज जैसा है प्रॉपर्टी है ओके okay, फाइन हॉन की प्रॉपर्टी है वहां पे आई है और वो माइन्यूट डिटेल्स मतलब छोटी छोटी बातें बता रही हैं नेली सॉल्ट के बारे में कि वो क्या कर रही थी उस दिन जिस दिन उनका मर्डर हुआ था तो अब जज को लगता है कि इनको ये सब चीजें कैसे पता है क्योंकि इन्होंने तो बोला था कि ये पूरा दिन बीच पे थी इनको वो चीज़ें भी पता थी जो किसी को नहीं पता थी ठीक है तो जो नेली है ठीक है अब ये जो मिसेस लोमोन है ये क्या बता रही होती हैं कि जो नेली हैं वो एयरमैन को मिलने के लिए तैयार हो रही थी हिल साइड पे गई पेंट लगाया पाउडर लगाया ठीक है तो मतलब वो हिल्स के आगे पीछे घूमी जब उन्होंने ये सब देखा ना कि वो किसने देखा जज और ब्रोडी ने जब उनको पता लगा कि जो मिसेस लमोन है उनको छोटी छोटी चीज़ पता है उनको एक्यूरेट बिल्कुल सही चीज़ भी पता है स्लाइटेस्ट मूवमेंट्स ठीक है उन्हें यह भी पता था कि नेली ने क्या बोला है तो जज और जो उनके गेस्ट हैं ब्रोडी वो काफ़ी मतलब वो काफ़ी सरप्राइज हो गए वो काफ़ी यू नो सरप्राइज हो गए कि उन्हें ये सब पता कैसे है मिसेस लमोन को तो इसीलिए वो कंक्लूड क्या करते हैं वो कंक्लूड करते हैं मे बी जो नेली सोल्ट का मर्डर है वो मिसेस लमोंड ने किया है ओके okay? अब देखिए लेट्स रिवाइज फिर से बात करते हैं नेली सोल्ट का मर्डर हुआ है दो सस्पेक्ट्स हैं हेक्टर लमोंड और उनकी मदर मिसेस लमोंड इनिशियली हेक्टर लमोंड को अरेस्ट किया जाता है इंटेरोगेट किया जाता है इनफ एविडेंस नहीं होने के कारण उनको रिहा कर दिया जाता है मिसेस लमोंट जब इनिशियल इंटेरोगेशन हो रही होती है वो कहती हैं कि वो पूरा दिन बीच पे थी इसीलिए उन्हें कुछ को कुछ नहीं जानती ठीक है लेकिन अभी जब वो लॉज में आई तो उन्होंने माइन्यू डिटेल्स दिए मतलब छोटी छोटी चीज़ें बताई किन्हें बताई ब्रोडी एंड द जज को ठीक है तो ब्रोडी एंड द जज को दोनों को फिर लगता है कि यही मर्डरर है ओके तो वो क्या करती हैं वो मिसेस लमॉन्ट को कहते हैं कि आप साइड रूम में जाके बैठें और वो केस को फिर से एग्जामिन करना शुरू हो जाते हैं थोड़ी देर बाद उन्हें एक नॉक सुनाई देती है डोर पे और डोर पे उन्हें कर्नल एलर्डाइस मिलते हैं जो कि चीफ कांस्टेबल हैं और इस केस के जो इंचार्ज भी हैं तो जज क्या करते हैं उनको सब कुछ बताते हैं जो भी उनको मिसेस लमोन ने सुनाया है लेकिन जो कर्नल एलरडाइस हैं वो पूरी तरह से स्टोरी को रिजेक्ट करते हैं और वो इन्फॉर्म करते हैं जज को कि जो मिसिज लमोन है उनकी बॉडी फिश की गई है और एक ऑफिसर ने निकाली है और इस इंफॉर्मेशन से वो पूरी तरह से सरप्राइज़ हो जाते हैं तो इसको हम दूसरे तरीके से भी पढ़ते हैं लेट्स स्टार्ट यहाँ तक जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ तक जो जज हैं उन्होंने सब कुछ बता दिया है ठीक है किसको बता दिया है कर्नल को ठीक है तो कर्नल कहते हैं कि कोई भी एविडेंस नहीं है और फिर क्या होती है फिर एक टेलीफोन रिंग बजती है और ये जो फोन है वो कर्नल एलाडाइज के लिए आता है और कर्नल एलाडाइस से किसने बात करनी है वो सूटर ने जो कि इंस्पेक्टर है ठीक है वो कहते हैं कि मिसेस लमोंट की जो बॉडी है वो मिली है और उनके साथ एक लेटर भी है उस लेटर में क्या लिखा है इन द लेटर शी गिव्स एन अकाउंट ऑफ लास्ट मूवमेंट्स ऑफ नेली सॉल्टर उसमें भी वही उसने लिखा है जो जज और ब्रोडी को उन्होंने बताया है तो ब्रोडी फिर कहते हैं ऑब्वियसली फिर तो मिसेस लमोंट है जिन्होंने मर्डर किया है ठीक है तो जो कर्नल हैं वो क्या करते हैं वो ये बोलते हैं कि इन्होंने मिसेस लमोन ने कन्फेस इसी लिए किया होगा ऑब्वियसली क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि हेक्टर लमोन जो हैं उनको कोई परेशानी हो ठीक है कोई सस्पेक्शन उनके अगेंस्ट हो फिर से अगर अगर ये केस फिर से खुल जाता है तो उन्होंने कन्फेस करके सुइसाइड कर लिया है ठीक है तो ये सब चीज़ें तो उन्होंने आके खुद भी बताई हैं अब होता क्या है कर्नल को लगता है कर्नल बिल्कुल इनकी बात नहीं मानते हैं बिकॉज़ ये ऑलरेडी ड्रिंक कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि मे बी ये जो दोनों हैं ये ऑलरेडी ड्रंक हैं तो इन्हें पता नहीं है ठीक है तो होता क्या है जैसे ही वो बाहर जाते हैं क्योंकि वो बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट्स लाए थे तो कर्नल वहाँ से चले जाते हैं और फिर से जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत तूफान होता है और एक विंड आती है ठीक है तो जज कहते हैं एक मतलब विसिल की तरह आती है जज कहते हैं एनीबडी देर ब्रोडी भी साथ हैं उनके फिर क्या होता है कुछ नहीं मिलता है बस अ बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट क्या सिग्निफाई कर रहा है कि मिसेस लमोंड उस दिन लॉज में आई थी और उन्होंने ये सब बताया है और ये एक ग्रैटिट्यूड है उनका गिफ्ट की तरह वो दे गई हैं राइट तो ये एक स्मॉल मिस्ट्री प्ले है आप कह सकते हो नाउ बिफोर वी एंड इट मुझे लगता है आपको समझ आया है बट लेट्स रिवाइज अगैन इट्स अ वेरी शॉर्ट प्ले जो कि लिखा है नील ग्रांट ने मर्डर मिस्ट्री पे बेस्ड है ओके okay? और ये मर्डर मिस्ट्री है नेली सॉल्टर की जो कि एक ब्यूटिफुल यंग वुमेन है दो सस्पेक्ट्स हैं हेक्टर लमोन एंड मिसेस लमोन ओके जो कि हेक्टर की मदर हैं हेक्टर को रिहा कर दिया गया है क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिला है उनके अगेंस्ट और जो मिसेस लमोन है वो क्या करती हैं इनिशियली वो कहती हैं कि उन्हें कोई नॉलेज नहीं है कि नैली ने क्या किया बिकॉज वो बीच पे थी पूरा दिन लेकिन जो जज हैं ठीक है थीके? वो जब अपने लॉज में होते हैं रात को एक रात मिसिज लमोन वहाँ पर आती हैं और गिफ्ट देती हैं बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट्स और वो माइन्यूट डिटेल्स छोटी छोटी चीज़ें बताती हैं कि नैली वहाँ उस दिन नैली की मूवमेंट कैसी थी किस दिन जिस दिन उनका मर्डर हुआ ठीक है और ब्रोडी जो हैं और जो जज हैं वो सस्पेक्ट करते हैं कि बेसिकली मिसेस लमोंड ही हैं मर्डरर तो एंड में जब कोई नहीं मानता है कि मिसेस लमोंड वहां पे थे बिकॉज मिसेस लमोंड की बॉडी मिली है लेक के पास ठीक है तो हाउ डू यू नो कि मिसेस लमोंड आए थे बिकॉज वहाँ पे ऑफ सी ट्राउट्स थे ओके okay? तो लेट्स मूव फर्दर और ग्लॉसरी रीड रीड करते हैं म्यूस ग्लेन जम्पी डॉक बे गैलोस वायल्स एग्जाल्टेंट इक्विट टट हॉन्ट लॉक डूम लैंग्विश बोनियर डेड्यूस एलेबाई श्रग कॉरोबोरेट क्लीनशीट क्वेर असेल, ग्रैटिट्यूड ट्राइम्फ नाउ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ऑलरेडी बोल दिया है आई होप यू अंडरस्टैंड इट. बट अगर आपको नहीं समझ में आया है एंड यू वॉन्ट कि हम क्वेश्चन आंसर्स भी लाएँ डू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन वी लव टू हियर फ्रॉम यू पीपल ठीक है अनटिल देन स्टे सेफ स्टे होम एंड प्लीज़ स्टडी हार्ड